विचार यात्रा, प्रगतिशील विचारों की अंतहीन श्रृंखला। हेलो साथियों, मुझे तो कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, और आपको? और अगर कहानियाँ ऐसी हों जो सच्ची घटनाओं पर आधारित हों तथा हमें कुछ अच्छा सिखाएं भी, तो फिर कहना ही क्या। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी ही लघु कथा, पहली बाजी। तो बिना देर किए सुनिए ये लघु कथा मेरी यानी गीता चौबे की आवाज में। नदी किनारे के खंडहर नुमा मकान में आज जश्न का माहौल था। शहर के नामी गिरामी जेब कतरे अज्जू, सुहेल, टोपी और गन्नू उस्ताद वहाँ एक साथ मौजूद थे। उनकी गैंग में नया भर्ती हुआ 14 वर्षीय छरारा युवक बादशाह आज अपनी जिंदगी की पहली जेब तराश कर लाया था, और उसने काटी गई रकम सहित पर्स उस्तादों के सामने रख दिया। पर्स खोलकर देखा तो उसमें कुल 568 रुपए निकले। उसमें से 50 रुपए की दारू, 15 रुपए की नमकीन मंगाई गई, और बाकी बचे 3 रुपए दारू नमकीन लेने गए लड़के को बख्शीश के तौर पर दे दिया गया। उस्तादों ने 400 रुपए आपस में ईमानदारी से बांटे और 100 रुपया बादशाह के हाथ पर रख दिए। बादशाह के लिए उसकी जिंदगी का ये सबसे सुनहरा दिन था। वो सोच रहा था कि जब वो अपनी पहली कमाई घर पर जाकर देगा तो अम्मी, आपा, भाभी सब कितने खुश होंगे। उसे लग रहा था कि घर के सारे दरिद्र अब कुछ ही दिनों में दूर हो जाएंगे। दारू नमकीन लेने गया लड़का अभी तक लौटा नहीं था। तभी अचानक खंडहर के बाहर भारी जूतों की आवाजें सुनाई दी। आवाज सुनते ही चारों उस्ताद पलक झपकते ही तीर की तरह बाहर निकल गए। लेकिन बादशाह भागता तब तक एक पुलिस वाला अंदर आ गया और उसे दबोच लिया। उसने 100 रुपए का नोट बादशाह की मुट्ठी से छीन लिया और अपनी पैंट की जेब में रख लिया। उसने बादशाह के शरीर पर तड़ातड़ डंडे बरसाए और लात मार कर नीचे गिरा दिया और कहा, अभी धंधे में नए नए लगते हो, अरे पके होते तो मेरे हाथे नहीं चढ़ते, जाओ आज छोड़ देता हूँ। बादशाह पिटा पिटाया हताश घर लौट रहा था। वो पहली बाजी जीत कर भी हार गया था। वो महसूस कर रहा था कि वो वाकई कच्चा है और मन ही मन पकने की तैयारी कर रहा था। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीख ली, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। कवि और सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र नेह जी के लघु कथा संग्रह उसे नहीं मालूम से इसे हमने साभार लिया है। हमारे बारे में अधिक जानने और ऐसी ही अन्य तमाम कहानियाँ, कविताएँ, ऑडियो बुक्स आदि सुनने के लिए वेबसाइट www.sahkarradio.com पर जरूर जाएं। फिलहाल दीजिए इजाज़त मुझे यानी गीता चौबे को। नमस्कार।